ਆ ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾੜਦੇ ਹੋ ਸੜੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਐਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭੱਟੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖਾਨ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਲਾ ਆਇਆ ਸਾਪ ਪਹੁੰਚੂਗੀ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਚ ਚਰਸ ਵੇਚਾਂਗਾ ਇਹ ਖਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਬੇਵਕੂਫ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਕਾਨ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਕਿਹਾ दुनिया चार वड़ा कम खाना ने की थे एक क्रिकेट का वर्ल्ड कप कौन लेके है इमरान खान स्क्वाश का वर्ल्ड कप कौन लेके है जहांगीर खान ये एटम बम किसने बनाए डॉक्टर कदीर खान हाय हाय यार वाकई खानदान ने पठाना ने बड़ा बड़ा वड़ा काम की थे यार पश्तो फिल्मा कौन बनाता है जमुर्द खान है यार वो यार मेरी गल सुन पट्टी सही कह दिया बेवकूफा मालका दे औखा वेला आया उन्होंने साथ देना चाहिए यार ये तो साडा तनका वादा नहीं साल की गई है खुशखबरी देगी बेगम साहब ने साडे तिना दी तनखा डबल कर दी डबल साडे तनका वाद के ग्लोरिया तनखा डबल होंदी तू लूमा ला लई ने तनका डबल हो गया हाथ मिलाओ काटे लई ते वादा करो केड़े वाला आज तो बाद कटा जिएगी ते कटा मरेगी कटा जिएगी ते कटा मरेगा ए ले कोई ना हाथ से कर लो ते मुंह के अंदर कर लो तेन क्या सीना ही तीन ना मैं ना बोले कोई ना मैं यार पट्टी नहीं लगे ना तुम भी फने गए कान ना ला जोर से कान तो मिट्टी ना चढ़ी मैं ना बोले कोई ना इतिहास गोली चलने जिम्मे शाहरुख खान की फिल्म चलती है ना ओ भाई जी फिल्मा चलाते हो कि पुलिस चो भाई जी ओ मैं तो मनियारी में चलिया कल मनियारी में चलिया तू बेचे भी तेरे को लेनी की नहीं हो मैं ना हवा बोल हवा हला कट्ठे जीवांगे तो कट्ठे मरांगे पहले ही कतल ते वादे हो गए हैं हाँ फड़िया पानी का गिलास पट्टी का फेर ककड़ पै गए ਕੋਲੀ ਥਾਣੇ ਦਾ ਪਾ ਗਿਆ ਕਤਲ ਪੱਟੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਵਾਰਸਿਆ ਤੇਰੇ ਵੀ ਤੇ ਬਾਲਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਹ ਚ ਡੱਕ ਲਓ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਤਲ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇਰਾ ਹੁਲੀਆ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਨਾ ਪਾਵੇ ਕਤਲ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਕਤਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਣ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਭਾਈ ਜੀ ਮਾ ਤੂੰ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਏ ਖੜੀ ਆ ਤੇ ਖੜੀ ਰੱਖੋ ਬਾਬਾ ਉਪਰਾ ਕਰ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੱਛ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸਰ ਕੌਣ ਬੋਲਿਆ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਬੋਲਿਓ ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਬੋਲਾਂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਚੌਂਸੀ ਅੰਬਲਾ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੋਣਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਏਡਾ ਓਵਨ ਜਿੱਦਾ ਮੂੰਹ ਓਵਨ ਜਿੱਦਾ ਭਾਈ ਜੀ ਹੁਣ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਤੁਸੀਂ ਹੱਲੇ ਵੀ ਕੋਲੇ ਵਾਲੀ ਗੀਠੀ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਾਕੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੋੜ ਖਬਰ ਬੋਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜੇਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਤੂੰ ਐਨਕ ਲਾਈਆਂ ਅੱਗੋਂ ਕਲਰਕ ਲੱਗਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਮਲੰਗ ਲੱਗਣਾ ਪਾਵੇ ਕਤਲ ਪੱਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੂੰ ਮਰ ਇਹ ਬੋਲੇ ਭਾਈ ਜੀ ਦਬਾ ਖੜੀਆ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੀ ਨਾਸ਼ ਤੇ ਬੋਲੋ ਤੀ ਜ਼ਾਬ ਤੇ ਨਾ ਪੀ ਕੇ ਜ਼ਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਲਾ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਸ਼ਰਬਤ ਨਿਕਲਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਬਾਜੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਖੜੀਆ ਖੜੀਆ ਏਡੇ ਜ਼ਹੀਨ ਪਠਾਨ ਉਹ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੱਕ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਲੱਕੜ ਦੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਚੱਕ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਸੈਂਸ ਸੇ ਓਏ ਡੀ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਸੇ ਉਹ ਆਪ ਸੈਂਸਦਾਨ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਵੇਖ ਅੰਗੀਠੀ ਤੇ ਟੋਪੀ ਰੱਖੀ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਸੜੀ ਉਹ ਵਾਕੀ ਯਾਰ ਇੱਡੀ ਸੈਂਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਰੇੜੀ ਡੱਗ ਬਾਲ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛੋਲੇ ਵਾਲੀ ਰੇੜੀਆਂ ਚ ਕੱਢਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊ ਖਾਦੇ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਅਦਰਾ ਫੇਰ ਚਲਾਣਾ
यार भावे पुलिस आए रेड़ी ते साजदा सूबी पर बाजो तू पुछा ना की होने लगा दसना मैं तेन तारी जी सर तारी जी सर वो मदई ना आया मदई कित चूल्हे ठीक कर देनी मुंह ते सूट बड़ा किया जे गिरफ्तार कितों लेट हो गई है पिंडिया की डेवा फंडी तू पिंडिया ले आ जो भाई पिंडिया ले आ जो पिंडिया ले आ जो भाई पिंडिया ले आ जो पिंडिया ले आ जो भाई पिंडिया ले आ जो ऐ जनाब देखो पिंडी वाले काची ले आ के तो ना पंडे पिंडी वाला तो नहीं आया नहीं वर्दी वाले आ रहे वर्दी वाले अच्छा सही गल है और इन्हें जाना भी नहीं है ये है कौन है कौन है ये ट्रांसपोर्टर है जी बस कोई नहीं बंदा चौक के छट गया अंदर पठान सर्दियां गर्मियां खुले पहुंचे पाने वाले कोई ना खबर हो यार भी यही दसो तो सही रहा दस दस रहे तेन की होया दसे की होया की होया तारी जी सर मैं समझ गया इन्हों बड़े खतरनाक मुझे नहीं ला जा इन्हें धूप के कले कले लिया के तू तेन जेड़ा बहादुर बंदा ना नामदार बंदा हला इतना बुलाई दे इतना सौ कम पै सकता कमने तेरे ना कम पैना मैनू वो खोती रेड़ी डैक लाने वाले बोतल चाबी लगे खोल लानी अच्छा पट्टी दंडा खोल खोल के परौने लगे रखे खड़ा खड़ा ठक फिर पुछना वाह भी वाह पट्टिया बड़े काम की चीज है बड़ा काम किया पट्टी बड़ा काम की जी बोतल तू अपने मुंह ना खोलनी है वो पीनी की नहीं टेलीफोन हाय बोर हो रहे हैं ना तो मुझसे दोस्ती करें मैं हूँ आपका दोस्त मिस्टर टेलीफोन फोन उठाए और मिलाए 09007801 मैं सुनवाऊंगा आपको मजेदार लतीफे दिलचस्प कहानियाँ और हर कॉल पर कुछ नया बस 09887806 डायल कीजिए मेरे पास है आपकी क्रिसमस से मुतालिक हर सवाल का जवाब क्यों इम्प्रेस हो गए ना अरे अगर आप मुझे अपना लकी नंबर बताएं तो मैं दूंगा आपको 100 से लेकर 50,000 ना कोई कुरानबाजी ना इंतजार और वो भी एक दिन में दो बार कॉल कीजिए बार बार 09007801 तेरे वर्गे होने और उच्च शरीफ होने मेरे का मुद्दा नहीं पाऊं झूठ बोलता है ये मैं झूठ बोलूं मुझे कौवा काटे काले कौवे से डरियो यही कातिल है यही कातिल है और सब कुछ तू ही दसना असि तो लड़के का बोर कटना है मुझे डर लग रहा है पट्टी घर च मौजूद है फिर कहना डर पट्टी देने कहना डर और तेरे को तो डरन डी आ तेरे को डरन डी गुंगिया को गां खा लिया तेरे को डरन डी गुंगा ही मेनू गाला
चाहिए। तोहफा चाहिए? तेनू तेनू हम पंजा मरले का फैन ला दवा? तोहफा चाहिए? एक गल तो पुलिस वाले कहनी चाहिए कि सानू तोहफा चाहिए। तेनू तोहफा दे दिया मैनू मुअत्तल करा ली। छोटे काश्तक दे नाल माया दे के चौड़ी स्त्री तत्ती तत्ती फेरी होवे तेरी वर्दी ते कड़ाके वाली वर्दी पाई होवे कड़ कड़ कर दी बड़े बड़े अफसर भी कहन मानो साहब कयूम रशीद वर्गे डीएसपी के एडी कड़के नाल कित्थों पाई है वर्दी तो आई है। मैं तेनू गिरफ्तार करना है तू इत्थे मजमा ला लिया जिहड़ा रोण ही लग पिया इन्हें की कतल किया तरक्की हो जानी फुल वज जानी भट्टी फड़ लिया बड़े किराने कार्ड की गल मैं चौधरी भट्टी अपनी हिरासत च रख ये शक्ल मैं लगता मारन वाला बंदा ही जो मैं मारिया ना तेन यार ही मेरी सरकार अगे लग मारी ना तू अगे मैं बीबी सानू कितने गलत घर नहीं लाई तू नहीं यही कतल हुआ है जबान पे एक रख कदी कहनी यही कतल हुआ कदी कहनी यही कतल हुआ सानू भी फसाने असं तो इटा रखनी निशान लाने का जल्दी चल मैं इंस्पैक्टर दवाई खुवानी है सुट दरा इधर सुट उन्हें कैच करना ही पार लमे इन मैं कही अंदर कह दिया हमें जाते हैं मेरिया पिनिया घुटन लग पैनी है लम्मे पहना के गोली खा के टिकेगा गोली खा के मैं दहशत करदा दहशत गर्द बड़ा तेरा नकली बंब जिहड़ा मूंह है दहशत बंदे फड़दा फिरना ट्रैफिक च ड्यूटी लुआ जेड़ा कुत्ता गड्डी अगे आवे उहदा चलान कट पता भी लगे ड्यूटियां हो रहीआं दहशत गर्द ओ खोतियां नाल दौड़ा लाने वालिया कच्चे छोले मूंह च पाए ना भुज भुज के आप ही अंदर जाई जांदे नी
कभी बंब वेखे आहो बताऊ वर्गा हों चलता वेखे कभी बंब चलता वेखी नहीं बताऊ चालू पे वेखे ये तेन लंबे पा तेरे मुंह देने आलू पैने तेन पता लगा कोई गल यही बेच बताऊ पा लागे मैं कहना अच्छा जानना मैनू आहो अग बुझा महकमे च लगे तो फिर सड़िया क्यों मैं खतरनाक तू मेरी जान खाती जा मैं नौकरी छड़ी मैं नहीं करना नहीं, नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैं धोती बना मैं ना वर्दी मैं चलिया पिंडी वापस इंस्पेक्टर साहब आप आए में हमें पता ही नहीं चला तानू होश ही नहीं होती पता नहीं मेरा मतलब है कि अब क्या हो गया जिन्हें शाहरुख का फिल्म चल रहा है अब तुझे कर लो मुंह का दल कर लो असी तीन ने मुंह का दल कर ले मैं कलोता बटी और तुम्हें दो आवाज उड़ा टूटे मार के दल ले दो जी बेगम साहब आप पहले दिन दिया झलकिया तुम वेख लिया अचानक रूह मेरे सामने आ गई और मैं थरथर कांपना शुरू हो गई मैं गल्लां बनियां थरथर कांपना शुरू हो गई मैं कई काम दे मगर मन कर लग पेगा कोई थरथर दी आवाज नहीं आउंदी मोहल्ले में किसी बच्चे ने पटाखा चलाया और तुम डर गई मैंने तो तुम्हारी तनख्वाह भी डबल कर दी है सच लो जी इस कुड़ी ने जल्दी जल्दी कोई गलत ब्याह कर लेना जी नहीं जी इतनी सी तो बात की बात नहीं मामा बेड के नीचे कोई है अंदर बुला मैंने पैसा है पीता और मैं पीछे गया कुत्ता अगले पैर चौक के अंग्रेजी अखबार पढ़न गया अखबार पढ़न लिया यार पढ़ के अखबार नहीं पढ़ सकते यार जो कुत्ता ऐनक ला सकता तो अखबार नहीं पढ़ सकता यार बटिए आया मैं दस के कुत्ता अखबार पढ़ सकता पति मैं तो दस लगा यार ऐसा मेरे घर पति मैं तो इतना होना था सरकार पाल रहा है दस ने पति है क्या करें दस यार कुत्ता अखबार पढ़ सकते यार बाकी यार मेरे लड़ा यार तू है मैं पति यार तेरा पति मेरा पति क्या तू मेरा कोई क्या है पति दस यार क्या है कुत्ता अखबार तेरा मामा लग दे पति 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 मैं सुन ले सही रह जा एक आगा मजी एक चलो पति मैंने मैं दस एक दस यार ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद
ਮੰਗਰ ਸੂਰੀਲਾ ਮੈਂ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਓਏ ਓਏ ਨਾ ਜੇ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਮਰੀ ਮਾਂ ਮੁਖਤਾਰਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਪੱਟੀ ਜੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਹਮੇ ਦਾਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਦਾ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਲੀ ਰਾਜਪੂਤ ਬਣੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗਿਰਾ चादर रंग गोरा करने वाली क्रीम लाई थी की मतलब मैनू की हो गया मैं छुरी मारी खुसरा कतल हो गया मैं मखरूर हो गया उत्थे तो पट्टी का नाम नहीं लिया पट्टी पट्टी हो गई जमाने ने आखिया भी बंदे ने मरदे वेखे हैं कतल होंगे कि बहादुर है जिन्हें खुसरा ही कतल करता पिछौर दौड़ चल रही है शाबाश बुआ टपिया नहीं जाता पिछौर दौड़ चल रही है और मेरी मेरी एक दूर दी फुफिया अच्छा ऐसे नेड़े रहंदी है ओदी हाल चल के रोटी खाने ओए ओदी हाल नहीं जाना है क्यों भाई ओ जेडी दूर दी फुफी नेड़े रहंदी है किड्डी चलाक होनी है लाश तो कुछ कर यार बुजारे नु बुए जो चोर कर दो भजन शक्ल दूर रखना लाश की आंखों में पोटू ना रह जाए यार जो केनु इधर ले किसे लाश दिया पुत्रा
तुम तीनों कहां जा रहे हो? सेठ साहब आसी भट्टी की पुप्पी अल जा रहे हैं, खुदा दे वास्ते सानू जानते हो। भट्टी तुम भी जा रहे हो? हाँ मेरा गैंग जान जाना, भट्टी अपने गैंग नहीं जाना। और भट्टी तो इस लाश को कौन ठिकाने लगाएगा? तो मेरे अपने की लाश है। देखो भट्टी, मेरे पापा की लाश का अभी तक किसी को पता नहीं चला। इससे पहले खान के लोगों को पता चले तो जुगनू यहाँ पुलिस आएगी, और जाहिर अगर पुलिस इस घर में आई तो घर के मुलाजमों से भी पूछगिछ तो होगी, फिर तुम तीनों जान भी होगे, पुलिस तुम्हें ढूंढ निकालेगी। और भट्टी तुम्हें तो होगी सीधी फांसी। यूं और खान तुम्हें तो होगी उम्र कैद। और जुगनू तुम? मैं तो वादा माफ गुआ बन जाऊंगा, मैं उन्हें फांसी लुआना, मेरी गर्दन लंबी होके पतली हो जाएगी। ये डबल डबू पतली गर्दन तो नहीं खिलौना है। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर तुम तीनों ने इस लाश को ठिकाने लगाने में मेरी मदद नहीं की तो तुम जाओगे इधर, मैं जाऊंगा पुलिस स्टेशन, और पुलिस स्टेशन जाके पुलिस को यह बयान दे दूंगा कि मेरे पापा का कातिल भट्टी है। डाकर चल जाते डर देने, मेरे को बिठा नहीं चल गई। बहरहाल जुगनी पति ने बड़ा काम बकाया यार, पति खूब लाश दफनाई हो। मां कले बंदे कई कतल करके नेरे ने कले ने नप नु दे पति एदा भाग गया। माना मैं सोचन दिया फना कोई कोल कही ना बेल चा तोया किवे कड्डा कोई यार, पति ने जिड्डी तेज अपने मुंह नाल तोया कड्डया मैंने तो खरगोश दी सकी फूफी ना पुत्र लगाई। तेरा वड्डा मुंह बड़ा कम है, मिट्टी भर भर दार सकी। बहरहाल पति कैसा जमाना आ गया, एक इंसान मरते ते दूसरा इंसान वो देते मिट्टी पा देते। भट्टी तुम लोग आ गए? उन्हें आए जुड़े आए। भट्टी किसी को पता तो नहीं लगा? नहीं किसी को नहीं पता लगा, खुदा दे बाहर के केहर नहीं पड़ा। फिर तुम घर से रोला पाप आ गया ना, इन्हें तो जानना कोई नहीं, भट्टी नू फड़ोगे तुम? नहीं बेगम साहब किसी नहीं पता लगा, असि लाश घबरा के जो निकलने लगे सर उदो एक बंदे ने सानू देख लिया, पर वो डर के चीख मार के परले पासे दौड़ गया, उरले पासे दौड़ ला। कब्रिस्तान आए बड़ा दूर, फिर जाना ही कोनी। ओले मां उसे मफरूरी बड़ी कटी है, जो कतल करने में मौत ना चलो। आहो जी मैं ना पट्टी कब्रिस्तान च बढ़िया मुर्दे खलो गए ओ भरा। एक मुर्दे ने मैंने शिकायत की थी कि भाई जन जी की चीजें कब्र के बीच होंदियां ने बाहर फिर नहीं आ रहे। एक मुर्दा तो सिगरेट भर के पट्टी ने मगर मगर पट्टी सूटा दे ला यार। नाले मेले गुणी को इलम दसी, मैं सारिया लैन च खिलार लगा। अच्छा डर के नसी को पिपल ने चढ़ के कोई बोर्ड दे डराया? किस तरह डर गया वो डराया? यार रात में कब चाहेगा? एक चुड़ैल में जावे ना कवे तेरी शक्ल मेरे मंगेतर ना रल दी। एक मुर्दा दे विचों कहीं ना यही बंदा जी जिहड़ा बंगाली बाबे अगे साडियां हड्डियां वेचदा जी। मामा की लाश को तुम ना? नहीं हबीब बैंक दे लॉकर च रख आए, अगले साल दो मिलन गईयां। मामा कब्रिस्तान में तो लाइट भी नहीं होगी, पापा बेचारे क्या करते होंगे? चलो पापा ने केड़ा कफन नु बटन लाने सन, वैसे असि सारा इंतजाम कराया, कबर च पानी वाली बोतल भी रखा है, अखबार भी रखा है। बीबी जी परेशानी वाले कोई बात नहीं, वो सेठ साहब की जेड़े नाल वाले कबर है मेरे चाचा गुणकान चौकीदार दे। अबे आखन ओए ओए ता ही ओदे जो सड़क ते डंडे मारन दी आवाज आ रही है, ओदे भी चौकीदार मिल गए। मामा मुझे तो बहुत डर लग रहा है, आपकी इजाजत हो तो मैं फूफा के घर पिंडी चली जाऊं। पिंडी आले आ जाओ भाई, पिंडी आले आ जाओ। उन्हें जूती ते ही कोस्तान लहाया है। अरे बेटा तुम ऐसा करो,
मैं उसी कहूंगी तो मैं ले जाएगा। ठीक है, एक गिलास पानी देना, बहुत प्यास लगी है। तुसी ना नहीं कहो प्यास लगी तो मैं ले ही आना, मैं फिर आऊंगा ना। पट्टी मैं तो तेरा पैन हो गया यार, जो जी तू काम कहे मैं तो तेरा शकीर थी। पट्टी सब बटी सब बटी सब रोटी खाने में बटी पीछे तक पीछे तक पट्टी का फेर कदम आ गई। हाँ तो उठो। ओ कफन तोड़ जे। हाँ ये दिहाई पक्के वारदात ये मैं समझ आ नहीं, यह मेरे को छुटके में जाने खबर है। आगे किडे स्कूल ना सुता जिम्मे सारे बच्चे ब्याह बैठा बट बाबी हर की तारी काम हो गया पूरा बटी हो गया बटी उठ मालिक के मकान आ गए पढ़ बाबू। वो तेरी ड्यूटी कल पट्टी तो लगी है। ये पंजाब की गवर्नमेंट ने पट्टी को खोलने दे रखा तेरे ना भाई हो गया जिंदगी जा और बता ए लो भाई हाथ कर लो उच्चे ए लो भाई ते मुंह दा तुहानूं पता ही किदा करना ए लो भाई ये उच्चे कलो जो है ये उच्चे कलो जो है उच्चे भाई। अजय खौफ है बड़ी दहशत है अफसर की मम्मी डर गई है। तुम्हें करना रख घड़ी मुड़ी मैं कल ना लाई आने मैं तेरे अबे की फोटो चल कर तू की लैन गया सब कब्रस्तान च हांडी पकानी सी कार के कबर तो दाल चुगन गया कब्रस्तान च दाल वो तेरे प्यो ने यूटिलिटी स्टोर खोलिया ना। हाँ भाई तू कि गया था कब्रस्तान ची बारिश की वजह तो मेरे चाचे का कबर पूंजे चा पिया मैं मिट्टी पा के उच्च करने गया जनाब झूठ बोलता जे तू पुलिस में लाया ना तू चलो खोलिया हम सा काम है चलो जनाब कबर चोर जनाब तू उन्होंने तीजा भी सी एक गल थी ये पर मैनू नहीं पता जरा दोवे हो तीजा होता है इतना इलम यार माना हला हाँ भाई और तीजा कितने जी जनाब मकरूर लगा ले माना पुलिस वाले आस पास माना नमक भाइयों गोली चलने के पुलिस मुकाबला हो नमक भाइयों मकरूर हो गए नमक भाइयों गोली चलने गोली चलने गोली तू ही लगा बैंड लिया मैंने नहीं गोली मारी सकती हाँ गोली चलाने के लिए हाँ चलाने के मैं ही हूँ मैं ला पोजीशन स्टैंड अप पोजीशन मफरूरा किया मफरूरा क्या मैं सूरा नहीं किया मफरूरा पची ना अपने आप नु कानून दे हवाले कर दे मैं दस तक गिनागा नहीं तो अपनी मौत का जिम्मेदार तू आप होएगा। ठीक है मफरूरा अपने आप नु कानून दे हवाले कर दे मैं दस तक गिनागा दस पहले आप ही दस नौ अठ अठ दे अगे नौ हाँ दस नौ अठ अठ दे अगे नौ मेरा भाई मैं पुठा गिन लिया पुठा गिन लिया यार एक तो लै के दस तक गिनती दोबारा गिन लिया भाई एक दो तीन चार पांच छह सात आठ दस हाँ बोल दस नौ अठ सही यार सात तो नहीं हो जाए गोली क्यों नहीं चलाई तू सर जी तुझे क्या नहीं चलानी है
ਕਵਾ ਤੈਨੂੰ ਖੇਤ ਮਿੱਟੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਤੂੰ ਰੈਫਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰੈਫਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮੈਂ ਗੇਮ ਵੇਚਦੇ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਖਿਲਾੜੀ ਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲੇ ਦਾ ਇਹ ਭਾਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਛਿੱਤਰ ਬੜਾ ਵੱਜਦੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਲੱਖ ਤੇ ਬੜਾ ਖੇਡਿਆ ਵਾ ਬਾਂਦਰ ਕਿਲਾ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਬਾਂਦਰ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ ਮਫਰੂਰਾ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਫਾਇਰ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਫਰੂਰਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਮਫਰੂਰਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਮਫਰੂਰਾ ਓਏ ਆ ਗਏ ਯਾਰ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੋਲੀ ਵੀ ਉਂਝੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੋਦੀ ਰੇੜੀ ਚਲਾਈ ਦੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਭੱਜ ਸਕਿਆ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹਲਾ ਬਈ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਨਾਨਾ ਬੂਟੀ ਪੀਂਦਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਫਰੈਸ਼ ਬੂਟੀ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਾਚੇ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਚੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚੋਂ ਦਾਲ ਲੈਣ ਗਿਆ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਇਹਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪੂਨੇ ਦੋ ਘੜੀਆਂ ਭੱਟੀ ਦੀ ਅੱਖ ਕੀ ਲੱਗੀ ਆ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਫੋਨ ਦੀ ਬਾਤ ਫੋਨ ਦੀ ਬੈਲ ਹੀ ਆਈ ਦੀ ਹੋਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੋੜ ਲੱਗ ਗਈ ਅਰੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੀ ਹੋਏ ਕੈਸੇ ਆਏ ਐਸੇ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੰਜ ਹੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰ ਕੇ ਦੌੜਿਆ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਛਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਸੀ ਤੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਗਾਲ ਅੜਖਾਣ ਡੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਚ ਕੀ ਲਾਂਗੇ ਉਹ 2:30 ਵਜੇ ਕੀ ਹੈ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ 8 ਤੋਂ 4 ਹੁੰਦਾ ਸੋਟੀ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਬਾਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਬਾਜੋ ਬੜਾ ਸਖਤ ਜੀ ਲੋ ਚਾਰ ਦੇ ਮਾਰਾ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਆ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਬੜਾ ਲੱਗਾ ਵੇਖ ਲਓ ਮੈਂ ਨਾ ਦੇਖ ਲਓ ਕੁਛ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ 2:30 ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਥਾ ਆਪਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ 2:30 ਵਜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਗਏ ਕਿਉਂ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਬਹੁਤ ਡਰਤੀ ਹੈ ਤੋ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਥਾ ਕਿ ਸਦਕਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੇ ਫੇਕੋ ਤੋ ਮੈਨੇ ਇਨਕੋ ਸਦਕਾ ਕਬਰਿਸਤਾਨ ਮੇ ਫੇਕਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਭੇਜਾ ਹਾਂ ਕਲਾਸ ਲੱਗੀ ਤੇ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਪਾਉਂਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਸਦਕਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਸਦਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦਾ ਉੱਥੇ ਕਰਮ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ ਸਦਕੇ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਥੇ ਮੱਲੇ ਚਾਚਾ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਸਦਕੇ ਜਾਓ ਮੈਂ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਕਿ ਸਦਕਾ ਫਿਕਨੇ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਨਿਕਲੋ ਇੱਥੋਂ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 2:30 ਵਜੇ ਠਾ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰ ਗੱਡੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ
हेलो कौन सुहेल मिर्जान इच्छा चला वे इच्छा चला